हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल सुपर फास्ट स्टडी एंड एंटरटेनमेंट पे। इस वीडियो में मैं आपको पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट यानी कि बैक फिल्टर के बारे में बताऊंगा। और इस इमेज को देख के आप डरिएगा मत, मैं आपको फील्ड से दिखाऊंगा। लेकिन पहले इस इमेज से मैं आपको समझाऊंगा कि बैक फिल्टर एक्चुअल में है क्या और उसके कुछ पार्ट्स जो हैं वो मैं आपको बताऊंगा। पहले पार्ट्स देख लेते हैं। तो सबसे मेन देख लेते हैं, पहले ये चैम्बर्स हैं। इसमें दो चैम्बर होते हैं और इसके नीचे में हॉपर है, आपको दिख रहा है। ये दोनों चैम्बर है और ये सक्शन लाइन है। ये जो लाइन है येलो कलर का जो दिख रहा है, वो डस्ट वाले एरिया से डस्ट सक्शन करने के लिए लाइन है। ये वाला जो सक्शन लाइन जो है, ये फैन से सक्शन होता है यहाँ से। और ये जो दिख रहा है, ये एक्चुएटर है। एक्चुएटर का काम जो है वो डैम्पर है, वो क्लोज और ओपन करता है यहाँ पर। और ये जो नीचे लटके हुए हैं, ये बैक फिल्टर्स हैं। और ये जो है एयर लाइन है, जो जस्ट बैग के ऊपर लगा होता है, सारे बैग के लाइंस के ऊपर में लगा होता है। और वहाँ पे छोटा सा होल रहता है जिससे पर्जिंग होता है प्रेशर एयर से। और ये पर्जिंग लाइन जो है वो सोलेनोइड वॉल्व से कनेक्टेड होते हैं, जो वॉल्व जो है वो टाइम सेट करता है पर्जिंग का। तो पर्जिंग के दौरान जो एक्चुएटर है, ये एक्चुएटर जो दिखा रहा हूँ मैं, ये सक्शन लाइन को बंद कर देता है। यानी कि फैन से जो सक्शन हो रहा है वो बंद हो जाता है एयर का, और हाई प्रेशर से एयर जो है वो सारे बैग में पर्जिंग होता है, जिससे कि डस्ट जो है वो झड़ जाता है बैग में चिपका हुआ। और ये आपका फैन है, आईडी फैन है, यहां से सक्शन लेता है और ये इसका डिस्चार्ज है। अब चलिए, अब इस इमेज में हम पूरा समझते हैं कि आखिर प्रोसेस क्या है, कैसे काम करता है बैक फिल्टर। तो येलो कलर का जो दिख रहा है, ये सक्शन लाइन है। ये लाइन जो है, ये आपका डस्टी एरिया में, आप इसका जो सक्शन लाइन है, दो जगह या चार जगह या पांच जगह, आप डिजाइन के हिसाब से आपको जितना डस्ट कलेक्ट करना है वहां पर ओपन रहता है। वहां पर से ये डस्ट सक्शन लेता है और चैम्बर, यहाँ पे जो नीचे वाला चैम्बर है, नीचे चैम्बर में जो डस्ट है वो आता है। और ऊपर वाला जो चैम्बर है, ऊपर वाला चैम्बर जो है आपका कनेक्टेड है, आपके फैन से कनेक्टेड है, आप देख सकते हैं। और जो ऊपर वाले चैम्बर है, वहां एयर आता है नीचे चैम्बर से। नीचे चैम्बर और ऊपर चैम्बर के बीच में सिर्फ एयर जाने के लिए एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है बैग, फिल्टर्ड बैग्स, जो काफी सारे लटके हुए आपको दिख रहे हैं। बैग जो मैंने पहले इमेज में दिखाया है, ये सारे बैग्स जो हैं वो लटके हुए हैं, जिसकी ओपनिंग जो है वो ऊपर चैम्बर में है। और जिसका जो नीचे वाला जो हिस्सा है, जो बैग है, जो फिल्टर है, एक्चुअल में वो एक फिल्टर है, वो माइक्रॉन्स डस्ट, बहुत छोटे डस्ट को भी फिल्टर कर लेता है और एयर इसके अंदर से बाहर निकल जाता है, ऊपर वाले चैम्बर में चला जाता है, जबकि डस्ट जो है बैग के चारों तरफ चिपक जाता है। और वो जो है, जब एक्चुएटर जो सक्शन लाइन को बंद कर देता है, यानी फैन से सक्शन आना बंद होता है कुछ समय के लिए, और उसी दौरान ये जो पाइपलाइंस, जो ब्लैक ब्लैक पाइपलाइंस दिख रही हैं आपको ऊपर में, यहां से पर्जिंग होता है। हाई प्रेशर में एयर जो है वो बूस्ट करता है आपके बैग्स को, और बैग जो है वो फूल जाता है, और उसमें जो डस्ट जितने भी लगे हुए हैं वो झड़ करके हॉपर में गिर जाते हैं। और ये जो हॉपर का जो डस्ट है, वो फिर नीचे में डोम वॉल लगा हुआ है, आपका डस्ट कन्वेइंग सिस्टम है, जिसके थ्रू डस्ट जो है वो धीरे से आपका कन्वेइंग होता है हाई प्रेशर एयर के थ्रू। और मेन साइलो में, जहाँ पे हम डस्ट कलेक्ट करते हैं, वहाँ पे जा करके कलेक्ट हो जाता है। और उस डस्ट को फिर हम फर्दर कहीं पे यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम उसे कलेक्ट कर सकते हैं और किसी और सोर्स पे हम उसको डिस्पोज कर सकते हैं। तो ये था आपके बैक फिल्टर का वर्किंग प्रिंसिपल। वर्किंग प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल है कि एक फिल्टर्ड बैग के थ्रू एयर का सक्शन करता है एक फैन, और जो डस्टी एयर है वो वहां पर स्टिक हो जाता है और फ्रेश एयर जो है वो चिमनी से बाहर निकल जाता है, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं। आगे वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा फील्ड से बैक फिल्टर को, जो कि रनिंग कंडीशन में है, और उसके अंदर का केज दिखाऊंगा। बैग जो है वो केज में रहता है, वो केज कैसा रहता है ये बताऊंगा, और उसके टॉप पे वेंचुरी लगा रहता है वो भी आपको दिखाऊंगा। तो चलिए आगे देखते हैं हम फील्ड से लाइव बैक फिल्टर, रनिंग बैक फिल्टर होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, आपके हेल्पफुल है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और ऐसे ही मैंने कन्वेयर बेल्ट का बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया है, आप वो भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। उसमें मैंने एक एक पार्ट को अच्छे से समझाया है। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जा करके इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल पे देख करके बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं इंडस्ट्री से रिलेटेड। तो हम पहुंच गए हैं अब फील्ड पे, और ये है बैक फिल्टर, और इसकी कैपेसिटी है 42,000 m³/h, यानी कि ये 42,000 m³/h एयर को फ्रेश कर सकता है, यानी कि जो डस्ट एयर है, जहाँ डस्ट है
उसको ये फिल्टर कर सकता है और क्लियर कर सकता है। 42,000 मीटर क्यूब पर हवर, हर घंटे में 42,000 मीटर क्यूब एयर। ये इसका आईडी फैन है, आप देख सकते हैं। ये मोटर से कनेक्टेड है, यहाँ पर मोटर से इसका शाफ्ट कनेक्टेड है इंपेलर का, और वो कपलिंग के थ्रू। और ये इसका जो है ये सक्शन है, ये जो सक्शन है ये इसका ऊपर वाले चैम्बर से, जो मैंने डायग्राम में दिखाया था आपको, टॉप चैम्बर से सक्शन यहाँ पे आया हुआ है इस फैन पे। और इसका डिस्चार्ज जो है ये देखिए, ये जो डिस्चार्ज है ऊपर में, ये डिस्चार्ज गया हुआ है चिमनी में, आप देख सकते हैं ऊपर, यहाँ पर ऊपर से आया हुआ है सक्शन वाला चैम्बर जो है, और डिस्चार्ज वाला चैम्बर जो है यहाँ पर से गया हुआ है। आप अभी और दिखा देता हूँ मैं आपको अच्छे से, ये देखिए ये डिस्चार्ज लाइन है, ये डिस्चार्ज लाइन आपका सीधा आपके चिमनी में गया है, यानी स्टैक पे गया है, और ये जो सक्शन वाला चैम्बर है वो ऊपर से आया है, और ये है आपका चैम्बर है, ये बड़ा सा जो दिख रहा है ये चैम्बर है, नीचे हॉपर है। और इस चैम्बर के अंदर में बैग है, मैं आपको आगे एक खुला हुआ चैम्बर दिखाऊंगा जिसके अंदर बैग्स लगे हुए हैं। और बैग किस पे लगता है, बैग जो है वो एक केज पे लगता है, वो केज मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा। उस केज के ऊपर में वेंचुरी होता है, और बैग जो होता है वो हम नॉर्मल जैसे पैंट पहनते हैं, जैसे हम पैर घुसाते हैं अपना, वैसे बैग रहता है। और उस उसका एक साइड जो है वो बंद रहता है और एक साइड जो है ओपन रहता है। और ये देखिए ये जो पाइपलाइन है ये डस्ट एरिया में सक्शन करने के लिए है, ये डस्टी एरिया से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है और पाइपलाइंस, और वो नीचे वाले चैम्बर में गई है। आप यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं, ये नीचे वाला चैम्बर है जहाँ पर डस्ट जो है वो बैग के थ्रू चिपकता है बैग में और क्लियर हो जाता है, एयर जो है वो बाहर निकल जाता है जबकि डस्ट वहाँ चिपक जाता है। और ये डस्ट कन्वेइंग सिस्टम है, नीचे में डस्ट यहाँ से नीचे आता है और ये डस्ट जो है नीचे पाइपलाइन के थ्रू कन्वे होकर के मेन साइलो में जा सकता है। वो दूर में आप एक देख रहे होंगे टंकी जैसा, वो साइलो है, मेन साइलो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, उसके ऊपर वो बना दूंगा मैं। और ये आपका फैन है, देख सकते हैं ऊपर से इसका सक्शन आया हुआ है। और ये देखिए ये केज है, केज ऐसा रहता है, इस केज के ऊपर में जो है वो बैग फिट होता है, क्योंकि बैग को आप ऐसे ही नहीं लटका सकते, क्योंकि बैग जो अगर सक्शन करेगा तो चिपक जाएगा, इसलिए वो सक्शन ना करे करके ये एक केज रहता है, इसके ऊपर में बैग रहता है। और ये वेंचुरी है इसका, यहाँ पर से जो हाई प्रेशर एयर है वो पर्जिंग होता है, वो एंटर करता है, बूस्टिंग करता है, बूस्ट करता है बैग को, ताकि जो उस पर चिपके हुए डस्ट हैं वो झड़ जाएँ। देखिए एक साइड से क्लोज रहता है ये, यहाँ पर जो इसका एंड है ये इसका ओपनिंग है जो ऊपर लगा रहता है, ये वेंचुरी है, देखिए यहाँ पर, यहाँ पर से एयर एंटर करता है काफ़ी हाई प्रेशर से, 5 से 6 kg प्रेशर का एयर जो है वो पर्ज करता है। और ये देखिए ये बैक चैम्बर है, ये ख़राब बैक फिल्टर है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको डिसमेंटल किया गया है, लेकिन इसको वीडियो मैंने इसलिए लिया है ताकि आपको समझा सकूँ। देखिए ये बैग लगा हुआ है, केज के ऊपर बैग लगा हुआ है, और आप देख सकते हैं ये कैसा लगा हुआ है, मैं आपको अपोजिट साइड से भी दिखाऊँगा। और ये नीचे वाला चैम्बर है, हम नीचे वाले चैम्बर को देख रहे हैं, ये नीचे वाला चैम्बर यहाँ से सक्शन होता था, ये दोनों पॉइंट दिख रहे हैं आपको खिड़की, ये दोनों पॉइंट जो है ये सक्शन हो रहा है यहाँ से डस्ट का, डस्टी एयर का, और ये अब ऊपर वाले चैम्बर के पास जा रहा हूँ मैं। और ये देखिए ये पाइप होल्स दिख रहे हैं, ये यहाँ पर पाइप लगता था जो ऊपर मैंने पाइप आपको दिखाया था एयरलाइन। और ये आ गए हम ऊपर वाले चैम्बर पे, आप देख सकते हैं वेंचुरी यहाँ लगा हुआ है, यानी कि इसके नीचे में बैग है, और ये ऊपर वाला चैम्बर है, यहाँ से जो है फ्रेश एयर बैग के थ्रू खींचता है, और ये वेंचुरी है आप देख सकते हैं। और इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आखिर बैग फिल्टर कैसा होता है, आपको पूरा समझ आ जाएगा, एक एक चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ फील्ड से। दोस्तों अगर आपको लगता है ये वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इंडस्ट्री से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं। देखिए ये जो ये पाइपलाइंस के लिए दिया हुआ है, यहाँ पर पाइपलाइन कनेक्ट होता है, हर एक पाइपलाइंस में जो है ये देखिए ये जो पाइपलाइंस यहाँ पर दिख रहे हैं, हर बैग के ऊपर में पाइपलाइंस गए हुए हैं, और इस पाइपलाइंस पर छोटे छोटे होल हैं जस्ट वेंचुरी के ऊपर में, जहाँ पर वेंचुरी है उसके जस्ट ऊपर में होल है, और हाई प्रेशर से एयर जो है वो पर्ज होता है, एक साथ एक लाइन में होता है पहले, फिर दूसरी लाइन में होता है, ऐसा करके होता है पर्जिंग यहाँ पर, और इसका अपर चैम्बर है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, धन्यवाद, और देखते रहिए थोड़ा सा और, मैं कुछ आपको अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा।